डॉक्टर ईसा बता रहे हैं। सबसे पहले फिजी हेयर जो कहते हैं ना, बम फटे बाल, बम फट गया, और झाड़ू वाले बाल। अच्छा, ये बालों के जितने भी आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, दो चीजें हमेशा ज़हन में रखिएगा। अक्सर हमारी बच्चियों के पानी का इंटेक कम है। अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया है, जब जमीन को पानी अच्छा नहीं दोगे तो कभी फसलें अच्छी नहीं होंगी। पानी 8-10 गिलास होने चाहिए फसलें अच्छे करने के लिए, 8-10 गिलास पानी। और नाश्ता बहुत अच्छा करें। अच्छा जी, हमने एक अंडा लिया है, जर्दी और उसकी सफेदी के साथ अच्छी तरह फेंट लें, ठीक है। घर में अगर आलू बुखारा है, फ्रेश है या सूखा हुआ है, अगर सूखा हुआ है तो उसको पानी में डालकर अच्छी खासी देर रखें, उसका पल्प ले लें। आलू बुखारे का पल्प, आलू बुखारा खुबानी है, आलू बुखारा सूखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों को आप अच्छी तरह मिला लें, ठीक है। मदरसा भी कंप्लीट है, हाँ, अच्छी तरह मिला लें। आपने क्या कहा, अंडा, सिर्फ अंडा और आलू बुखारे का पल्प, ठीक है। इन दोनों को मिला लें, हाँ। रूट से लेकर टेल तक बालों को लगाएं, अच्छी तरह बालों को लगाने के बाद 1 घंटा छोड़ दें, ओके। झाड़ू वाले बाल भी सिल्की हो जाते हैं रेशम की। चलो भाई, झाड़ू वाले बाल आ जाओ, झाड़ू वाले बाल किसके, किसको लगवाना है, किसको लगवाना है, आ जाए आ जाए। रूट से लेकर टिप तक लगाना है अंडा और आलू बुखारे का पल्प, ठीक है, 1 घंटे तक लगाना है, समझ आ गई ना।